हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्वो मोटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आर्डिनो के जरिए। जैसा कि हम यहां पे देख सकते हैं, अगर मोटर को 4.8 वोल्ट का सप्लाई दिया जाए तो वो 0 टू 60 डिग्री तक 0.12 सेकंड में चले जाएगा और वहीं 6 वोल्ट का सप्लाई दिया जाए तो 0.1 सेकंड में चले जाएगा। तो यही है इसका, इस मोटर का मैक्सिमम स्पीड। ये स्पीड वेरी कर सकता है अलग अलग कंपनियों के मोटर्स में। मैं अलग से 5 वोल्ट का पावर सप्लाई बना रहा हूँ इस मोटर को पावर देने के लिए। मैं यहाँ पे पावर सप्लाई डायरेक्ट आर्डिनो से इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये जो मेरा मोटर है ये ज़्यादा करंट खींचता है। अगर ये पूरा करंट खींच लेगा तो आर्डिनो के लिए करंट नहीं बचेगा, इसलिए मैं पावर सप्लाई अलग बना रहा हूँ। पावर सप्लाई के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 5 वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। मेरा यहाँ पे जो बैटरी है वो 7.4 वोल्ट का है। बैटरी का पॉजिटिव मैं कनेक्ट कर रहा हूँ वोल्टेज रेगुलेटर के लेफ्ट पिन में। और बैटरी का नेगेटिव मैं कनेक्ट कर रहा हूँ वोल्टेज रेगुलेटर के मिडिल पिन में। और एक वायर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ वोल्टेज रेगुलेटर के राइट पिन में। यहाँ से हमको मिलेगा 5 वोल्ट का पावर सप्लाई। यहाँ पे कुछ लोगों का डाउट हो सकता है कि मैंने वोल्टेज रेगुलेटर का यूज़ क्यों किया। इसका रीज़न ये है कि मेरा जो मोटर है उसका मैक्सिमम वोल्टेज 6 वोल्ट है। अगर मैं उससे ज़्यादा वोल्टेज दूँ तो हो सकता है कि मेरा मोटर डैमेज हो जाए। यहाँ पे जो लेफ्ट वाला येलो वायर है वहाँ से 7 वोल्ट का करंट आएगा और राइट वाला जो येलो वायर है वहाँ से 5 वोल्ट का करंट निकलेगा और वो जो मिडिल वाला वायर है वो ग्राउंड है, वो दोनों के लिए कॉमन है। यहाँ पे मैं 5 वोल्ट का सप्लाई आर्डिनो को दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट का सप्लाई मोटर को भी दे दिया है। और मोटर का सिग्नल वायर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आर्डिनो के डिजिटल पिन 9 पर। अब आते हैं कोड की तरफ। यहाँ पे मैंने सर्वो लाइब्रेरी इंक्लूड किया है और यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है M1 और उसी M1 को मैंने अटैच किया है डिजिटल पिन 9 पे। यहाँ वॉइड लूप के अंदर मैंने लिखा है M1.write(0). इससे होगा क्या, मोटर 0 डिग्री में टर्न हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने लिखा है डिले 2000। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे 2 सेकंड का टाइम इंटरवल ले रहा हूँ। फिर उसके बाद M1.write(180°). इससे मोटर जो 0 डिग्री पे था वो 180 डिग्री में चले जाएगा। फिर उसके बाद मैंने 2 सेकंड का गैप लिया हुआ है। तो इस तरीके से ये लूप चलते रहेगा और वो मोटर 0 से 180 डिग्री, फिर 180 से 0 डिग्री, ऐसा चलते रहेगा। तो यहाँ पे जो स्पीड होगा मोटर का वो मैक्सिमम स्पीड होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोटर 0 डिग्री से 180 डिग्री जा रहा है, फिर 2 सेकंड का गैप लेकर फिर से 180 डिग्री से 0 डिग्री पे जा रहा है। चलते हैं दूसरे कोड में। इस कोड में मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है POS, ये पोजिशन का शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है। बाकी का कोड पहले वाले कोड से काफ़ी सिमिलर है, बस यहाँ पे जो अंतर है, यहाँ पे मैंने फॉर लूप का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे फॉर लूप के अंदर मैंने पोज को इनिशियल वैल्यू दिया है 0, फिर उसके बाद कंडीशन चेकिंग होगा, क्या पोज 180 डिग्री से कम है तो कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद फिर जो पोज का वैल्यू है +1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। इससे होगा क्या कि मोटर सबसे पहले इनिशियल वैल्यू पे जाएगा यानी 0 डिग्री पे चले जाएगा। फिर उसके बाद फिर लूप चलेगा, फिर जो पोज का वैल्यू +1 हो जाएगा तो मोटर फिर से 1 डिग्री में आ जाएगा, फिर 2 डिग्री में आएगा, फिर 3 डिग्री में आएगा, ऐसा करते करते पूरा 180 डिग्री तक जाएगा। यहाँ पे जो मेन कोड है वो है डिले। यहाँ पे मैंने लिखा है डिले 5।
मैं इस वैल्यू को जितना बढ़ाऊंगा उतना मेरा मोटर का स्पीड लो होते जाएगा। जैसे कि अभी डिले 5 लिखा हूँ तो इस समय मेरा मोटर का स्पीड ज़्यादा होगा, पर अगर मैं डिले यहाँ पे 15 कर दूंगा तो यहाँ पे जो मेरा मोटर का स्पीड है और लो होते जाएगा। तो चलिए इसको करके देखते हैं। इसको मैं कर देता हूँ 15। अब मैं इसको कर देता हूँ 30। अब इसको मैं और बढ़ाता हूँ, मैं अब करूँगा 40। तो वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे।